नियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, ठीक है, दिस क्लोज सर्किट, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है लाइन इंटीग्रेशन, ये सिंगल इंटीग्रेशन कहलाता है लाइन इंटीग्रेशन। आप सबसे पहले ये देखो कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा और वॉल्यूमिक इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से देखो, ये आपको एक क्लोज सरफेस दिखाई दे रही होगी, क्लोज सरफेस, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले इस क्लोज सरफेस का लाइन इंटीग्रेशन, तो लाइन इंटीग्रेशन के बाद जो भी आएगा उसका रिजल्ट होगा 2πr, बात समझ में आ रही है, ये कहलाता है लाइन इंटीग्रेशन। अगर हम आपसे बोले सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब अंदर का पूरा आपको एरिया लेना है, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। और अगर हम आपसे बोलते वॉल्यूमिक इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन को आप सिंगल इंटीग्रेशन से शो करते हो, सरफेस इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन लगा के शो कर सकते हो, और वॉल्यूमिक इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन, इस तरह से आप शो कर सकते हो। तो अगर हम आपसे बोलें इसका वॉल्यूमिक इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोलते 4π3πr³। फिर इसका देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, इसका हमने बना लिया क्लोज्ड लूप, ये बन गया क्लोज्ड लूप, ठीक है ना, ये इसका बन गया एक क्लोज्ड लूप, ठीक है। और अगर हम आपसे बोलें कि इस क्लोज्ड लूप का लाइन इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप कहोगे 2πr। इसका एरियल इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूमिक इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे 4π3πr³। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाईली सिमेट्रिकल केसेस सच एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ये आप देख लो, ठीक है, सोलेनॉइड को देखो। देखो अगर हम एक वायर लेके एक सिलेंडर के ऊपर लपेटते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये बनती है एक सोलेनॉइड, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये कहलाएगी एक सोलेनॉइड। आप चौक को निकाल भी सकते हो, ठीक है ना, ये हो गई एक सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ का, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड क्या होती है, इसको अगर हम सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, ठीक है ना, इसी को हम सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें कुछ इस तरह से, सोलेनॉइड को पकड़ के सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, एक जगह से करंट जा रही हो दूसरी जगह से वापस आ रही हो, सोलेनॉइड की दोनों एंड पकड़ के हमने मोड़ दिया तो बन गया टोरॉइड, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सिमेट्रिकल केसेस होंगे, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड किससे फाइंड करेंगे, बाय यूज ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा आपको इसके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल एक साथ लेके चल रहे हैं, डेफिनेशन से अभी क्लियर नहीं होगा, डेफिनेशन बाद में क्लियर होगी, अभी ये फार्मूला देखो हम धीरे धीरे आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप उसके पहले एक बात और देखो, इसको समझने से पहले देखो, आप लोग सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर जानते हैं, ठीक है, दोनों सिलेंडर हम बना रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर, हाँ बेटा, ये कैसा सिलेंडर दिखाई दे रहा आपको, सॉलिड सिलेंडर की होलो सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और एक बना रहे हैं यहां पर होलो सिलेंडर,
ठीक है, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम है, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में। ठीक है, यहां तक बात के लिए समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब एक बात समझना, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही हो, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर में भी करंट फ्लो हो रही है और हॉलो सिलेंडर में भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, ये इसमें करंट फ्लो हो रही आई, तो इसकी हर एक पार्ट में सरफेस के जितने भी पार्ट होंगे सारे पार्ट से करंट फ्लो हो रही होगी, और यहां पर करंट कहां फ्लो हो रही होगी? ओनली सरफेस पर। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से देख लो इसको। देखो ये मान लो, देखो ये बात समझो, ये कैसा सिलेंडर हो गया, हॉलो के सॉलिड, कैसा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, हॉलो सिलेंडर, और मान लो ये कंडक्टिंग है, आयरन का बना हुआ है, यहां से करंट फ्लो हो रही, ठीक है ना, यहां से करंट फ्लो हो रही थी, और आपने क्या किया, अपनी उंगली को लेके यहां पे टच कर रहा है, यहां पे ऐसे, ठीक है, इसके अंदर किसी को टच नहीं कर रहा, बस ऐसे आप उंगली को डाल रहे, आपको करंट लगेगी कि नहीं लगेगी ये बता दो मैं, यहां से करंट फ्लो होती हुई आ रही थी, कोई पाइप था, आप उंगली को ऐसे कर रहे, ठीक है ना, आपने कहीं भी टच किसी को नहीं किया, बस आप उंगली को ऐसे कर रहे, ठीक है ना, आपको करंट नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसका हम टॉप व्यू बना दें, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, इस तरह का, तो करंट केवल कहां पे फ्लो होगी, इसकी सरफेस पर, अंदर वाले पार्ट में कोई करंट नहीं होगी। ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ? ठीक है, लेकिन अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह से, इसका टॉप व्यू ऐसे ही बनेगा ना। अब अगर आप इसको टच कर रहे हैं तो इसमें करंट कहां पर है, पूरे सरफेस में, ठीक है ना, इसमें पूरे सरफेस में करंट है, अगर आप किसी को भी टच करोगे तो आपको करंट, ये है एक हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। अब हमने आपको क्या बताया कि अगर ये हॉलो सिलेंडर है, यहां पर आप टच कराओगे तो आपको करंट नहीं लगेगी, और अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, करंट फ्लो हो रही होती, आप यहाँ कहीं भी टच करते, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता आप कहीं भी टच करते तो आपको करंट लग जाती, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों के टॉप व्यू बना दिए एक साथ, ठीक है ना। अब आप इसको, हम आपको बहुत अच्छी मेथड से बता रहे हैं, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो एक क्वेश्चन भी ले ले रहे हैं, एक साथ क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं, लॉ भी समझाते जा रहे हैं और एग्जाम्पल भी होता जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस है आर, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, ये इसकी एक्सिस है और रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, इट हैज ए करंट आई नॉट, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई नॉट, बात समझ में आ रही, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सिलेंडर एट पॉइंट ए बी एंड सी, इसके कारण आपको पॉइंट ए बी और सी, थ्री पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, इंटर ओ ए इक्वल टू है टू आर, आर इसकी रेडियस है, ओ बी किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, और ओ सी गिवन है आर बाई टू, ठीक है ना, इन तीन पॉइंट पर आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। केवल क्वेश्चन क्लियर हो तो आप बताओ, फिर आगे चले, ठीक है बेटा। एक सॉलिड सिलेंडर है, चलो अब एक बात समझना,
सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। इसको ले लें सिलेंडर, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा बाई पार्ट पढ़ते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। ये कहता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सरफेस, आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट ए पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर ले लो ओ और ए को ले लो रेडियस, सॉरी ओ ए को ले लो रेडियस, और एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करो अपने आप से, एक क्लोज सरफेस बनाओ। ऐसे बनाओगे ना, ये बना दिया आपने क्लोज सरफेस, बताओ यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर और उसको लेके एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दो, ठीक है, इतना काम कर सकते हो कि नहीं। चलो अब हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, बहुत अच्छी मेथड बता रहे हैं, इसको आप याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो इतने एरिया में करंट फ्लो हो रही, ठीक है। अब हम आपको एक कंपेरिजन बता रहे हैं, करंट का मतलब घास, ठीक है। आप ऐसा मान लो करंट मतलब घास का मैदान, ठीक है, ये घास का मैदान हो गया। और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर से यहां तक एक घोड़े को बांध दो, ठीक है ना, यहां एक घोड़ा बांध दो, चलो घोड़ा, और ये हो गया घास का मैदान, घास का मैदान, ठीक है। आप पास समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही, घोड़ा भूखा है, घोड़ा कहां तक जा पाएगा, कितने एरिया में जा पाएगा, यहां से लेके यहां तक पूरे में चला जाएगा, इसके अंदर भी जा पाएगा, क्योंकि घोड़े को आपने यहां से लेके यहां बांधा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, घास कितने एरिया में लगी है, जितने एरिया में करंट है, करंट का मतलब घास, ठीक है ना, करंट मतलब इतने में लगी है घास। अब आप ये बताओ घोड़ा कितनी घास खा सकता है, पूरी घास खा पाएगा, आधी खा पाएगा, ठीक है, मतलब ये मत समझ, आप ऐसी बात है मत करना सर घोड़े को कितनी भूख लगी है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं, घोड़ा कितनी घास खा सकता है ये बताओ, पूरी घास खा पाएगा, कुछ कम खा पाएगा, क्या सर? बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखो मैदान की यहां तक वो जाने के लिए सक्षम है, यहां से यहां तक जा सकता है, तो अंदर की तो पूरी घास खा लेगा ये, ठीक है ना। बात समय में आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ, ठीक है। चलो तो अब आप यहां पे देखो, यहां पे लिखा है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, अभी सिर्फ फार्मूले की बात करो, बाद में हम डेफिनेशन पर आएंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आई का मतलब है घोड़ा कितनी घास खा पाएगा वो घास, ठीक है ना, यहां पर अंदर कितनी घास दी है आई नॉट, कितनी करंट दी है आई नॉट, तो आई नॉट के बराबर घास लगी है और आपने इसको यहां बांध दिया, तो ये पूरी घास खा पाएगा आई नॉट के उससे कुछ कम खा पाएगा, ये बताओ, पूरी नॉट आई नॉट खा लेगा, तो म्यू नॉट आई यहां पर आ जाएगा आई नॉट, ठीक है ना। अब आप देखो बी डॉट डी एल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इक्वल होगा, बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, आई की जगह आई नॉट, किस केस में, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस मतलब एट पॉइंट ए, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी कि नहीं आ रही ये बताओ, ठीक है बेटा इतना। चलो तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, डी एल का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, लाइन इंटीग्रेशन, अभी हमने बताया था लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ओ से लेके ए तक की अगर रेडियस स्मॉल आर ले लें तो आपको क्या लिखना है, टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, ओ ए की वैल्यू गिवन है टू आर, तो यहां पे आर की जगह लिख दो टू आर, ठीक है, तो बी ये आ जाएगा फोर पाई कैपिटल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट, इससे बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता दो। देखो
पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए घोड़े को आप पॉइंट सी पर बांध दो। अब ये घोड़ा कितने एरिया में जा पाएगा? इतने एरिया में, ठीक है ना, इतने एरिया में जा पाएगा। तो क्या ये पूरी घास खा पाएगा? घास लगी है यहां तक, ये यहीं तक जा पाएगा, तो केवल अंदर वाली घास को खा पाएगा, बाहर वाली घास को नहीं खा पाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब इसके लिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखो b बाहर आ जाएगा, डॉट इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट। अब i की जगह i नॉट नहीं होके i डैश लिखते हैं। i डैश कौन सी करंट है? इसके अंदर की करंट, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कंपेरियन करना है घास से, तो टोटल घास है आई नॉट और हमें निकालनी है इतनी घास। निकाल सकते हैं नॉर्मल, आप जैसी कैलकुलेशन आप छोटी क्लासों में करते थे यूनिटरी मेथड से, ठीक है ना। कितने एरिया में घास लगी है? आई नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एरिया में करेंट है आई नॉट या घास है आई नॉट, तो यूनिट एरिया में कितनी होगी? आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है अंदर वाले की? आर बाई टू, ठीक है ना। तो एरिया कितना होगा? पाई आर बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई फोर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, कितनी आ गई? आई नॉट बाई फोर, ठीक है ना। तो इसमें कितनी घास लगी है? आई नॉट बाई फोर, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आई डैश की जगह क्या रखोगे आप? आई नॉट बाई फोर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, ठीक है। अब आप लिखो बी, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर, ठीक है, आर बाई टू। लाइन इंटीग्रेशन कितने लाइन में जा सकता है, ठीक है ना, 2 पाई आर बाई टू। बात के लिए समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वल टू म्यू नॉट आई की वैल्यू आई नॉट बाई फोर, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जल्दी से बी की वैल्यू बताओ, b इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन फोर पाई आर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, तो आप ये देखो ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई नॉट ले लें, आई नॉट, ठीक है। अब आप ये देखो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो केवल सरफेस पर फ्लो होगी, उसके अंदर वाला जो खाली जगह है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। पहले भी आपको दिखाए थे, देखो अगर ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, इसमें करंट कहाँ फ्लो होगी? केवल सरफेस पर, ठीक है, अंदर वाले हिस्से में यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? इसका टॉप व्यू, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इसकी रेडियस ले लेते हैं आर, क्लियर है बेटा इतना। चलो अब आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सिलेंडर एट एनी आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, ए ऑन द सरफेस बी और इनसाइड पॉइंट सी, ठीक है, ये हो गया ओ। ओ ए की वैल्यू ले लेते हैं 2r, ठीक है, और ओ सी की वैल्यू लेते हैं r बाई टू, या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आउटसाइड पॉइंट ए, ठीक है ना, उसके बाद सरफेस, उसके बाद अंदर वाले पॉइंट पर।
अब आप इसमें ऐसा कंसिडर करो कि ये घास का मैदान, थोड़ा सा घास का मैदान है केवल, ठीक है ना। अंदर इसमें कुछ कंकड़ पत्थर मान लो, बाहर भी घास नहीं है, घास केवल इतने से एरिया में है, ठीक है ना। ये है घास, इतनी सी घास है, और आपने घोड़े को यहां बांध दिया, ठीक है ना। आपका घोड़ा कहां तक जा सकता है? इस सर्किल में इसके अंदर तक की सारी घास खा सकता है कि नहीं, ये बताओ, ठीक है ना। ये देखो, चलो अब आप ये देखो, घोड़ा यहां से यहां तक जा सकता है, तो ये पूरी घास खा पाएगा कि कुछ कम कम घास खा पाएगा? पूरी घास खा लेगा, ठीक है ना। घास का मतलब है करंट, ठीक है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई कहलाती है करंट इनसाइड क्लोज्ड कर्व, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर की करंट, ठीक है ना। यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे थे घास, ठीक है ना। बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहां पर है 2r, ठीक है ना। ये जिस लाइन में चल सकता है उसका इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन है, इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है बेटा। हाँ, अब आप इससे देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ये किस पॉइंट पर है? पॉइंट ए पर, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना। चलो सेकंड आप देखो, एट सरफेस, ठीक है। अब आपको निकालना है बी पॉइंट पर, सरफेस पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब आपने घोड़े को यहां बांध दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपने ये घास का मैदान हो गया, घोड़े को आपने यहां बांधा, इस तरह से चल सकता है, अब भी ये पूरी घास खा सकता है, ठीक है ना। तो चेंज कहां पर आएगा? केवल यहां पर 2r की जगह हो जाएगा r, ठीक है ना। सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहां पर 2r की जगह हो जाएगा r, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर 4 पाई आर की जगह होगा 2 पाई आर, क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। ये हो गया सरफेस पर, यानी पॉइंट बी पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, देख लो, ठीक है बेटा। चलो अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, इनसाइड पॉइंट, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये हो गया घास का मैदान, रेडियस है आर, ठीक है, ये लगी है इतने में घास, और आपने घोड़े को यहां बांध दिया। घोड़ा अगर चलेगा तो इतनी रेडियस में चल पाएगा, ठीक है ना। ये रेडियस है आर बाई टू। चलो अब घोड़ा कितनी घास खाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो आप क्या लिखोगे? बी डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई इंटू आर बाई टू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो, ठीक है। बात समझ में आ रही? म्यू नॉट इंटू जीरो, ठीक है ना। ये पूरा जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो, क्लियर है इतना। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई हॉलो सिलेंडर है तो इसकी जस्ट इनसाइड, किसी भी पॉइंट पर अगर जस्ट इनसाइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो, ठीक है ना। ये कह रहे कोएक्सियल केबल है, मतलब इस तरह की केबल है कि इसके अंदर एक वायर है, पहले एक अंदर मोटा सा वायर है, इसकी रेडियस कितनी है? अंदर वाले की रेडियस है ई, ठीक है ना। इसके आउटर में फिर एक स्फीयर है, ठीक है ना, बीच में खाली जगह है, ठीक है। टॉप व्यू में समझ में आ रहा होगा, पहले एक केबल है, उसके बाद खाली जगह है, यहाँ पर कुछ इंसुलेशन या प्लास्टिक वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर फिर से एक वायर है। अगर आप लोगों ने अपनी केबल देखी हो कभी, डिस्क वाली केबल देखी हो, टीवी के पीछे जो प्लग होता है उसमें केबल लगी रहती है, ठीक है, देखिए वो आप लोगों ने ध्यान दिया है कभी उस पर, ठीक है।
उसके अंदर एक वायर होगा, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होगी, उसके ऊपर एक ग्रिड टाइप की होगी, जाली टाइप की होती है, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अंदर वाले में करंट फ्लो हो रही है आई नॉट, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है? अपर डायरेक्शन में, ठीक है। और आउटर में इसके अपोजिट, अगर इसको अपवर्ड ले रहे तो इसको ले लो डाउनवर्ड आई नॉट। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? ये पूरा एक ही है, ठीक है ना। इसकी रेडियस कितनी के बने? इनर रेडियस है बी और आउटर रेडियस है सी। ये हो गया सी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। एकदम क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हाँ। अब आपको कहां कहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। नंबर वन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, ठीक है ना। सॉरी, ऐसे पॉइंट पर फाइंड करना है जो कि एक्स डिस्टेंस पर हो और एक्स की वैल्यू ए से छोटी है। चलो अब आप इसको देखो। सबसे पहले हमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो, घास का किस तरह का मैदान है, पहले इतने एरिया में घास लगी है, उसके बाद बीच में खाली जगह है, उसके बाद फिर से घास लगी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। पहले इतने एरिया में घास लगी है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद फिर से घास लगी है, ठीक है ना। लेकिन घोड़े को आपने यहां बांध दिया एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है ना। घोड़े को आपने एक्स डिस्टेंस पर बांध दिया, ठीक है। किस तरह की कंडीशन है? केवल अंदर वाले घास का मैदान ले लिया हमने, इसकी रेडियस है ए और इसके साथ आपने यहां बांध दिया घोड़ा। घोड़ा इतनी जगह पे जा पाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है? एक्स लेस देन ई, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर घोड़े को यहां बांधा है तो पूरी घास खा लेगा कि उसके कुछ कम घास खा पाएगा? कुछ कम घास खा पाएगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसमें लगाते हैं एमपीएस सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नॉट आई। ये तो है हमारा फार्मूला, ठीक है। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप ये देखो, B को बाहर निकाल दिया, डी एल क्या कहलाएगा? 2 पाई x इक्वल टू म्यू नॉट। अब हमें निकालना है I की वैल्यू, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं? कितने एरिया में कितनी करंट है या कितने एरिया में कितनी घास लगी है? तो आप कहोगे पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट है आई नॉट, ठीक है ना। पूरा एरिया है पाई ए स्क्वायर, इसमें घास लगी है आई नॉट, ठीक है। तो यूनिट एरिया में कितनी घास होगी? यूनिट एरिया में कितनी घास होगी? आई नॉट ओवर पाई ए स्क्वायर। और आपका घोड़ा कितनी जगह जा पाएगा? पाई एक्स स्क्वायर में। तो क्या आ जाएगा? आई नॉट ओवर पाई ए स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब आप यहां पर आई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। आई नॉट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई नॉट एक्स ओवर 2 पाई ए स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। चलो अब आप ये देखो, सेकंड केस है, x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है। मतलब आपको किस पॉइंट पे निकालना है? यहां कहीं, ठीक है ना। मतलब आपने अपने घोड़े को यहां कहीं बांध दिया, ठीक है। अब ये इतनी जगह पे जा पाएगा, ये हो गई x की वैल्यू। अब ये अंदर वाली पूरी घास खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, ये बताओ। ये घास का मैदान है, आपने घोड़े को यहां बांधा, अब ये इतनी जगह जा पाएगा, ठीक है ना। तो अंदर वाली तो पूरी घास खा लेगा, ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। बाकी क्या होगा? देखो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी टू पाई एक्स, ये भी क्लियर है। म्यू नॉट
अब आप ये बताओ पूरी करंट इसके अंदर इंक्लूड होगी कि कुछ कम होगी, बताओ। पूरी करंट आई नॉट, ठीक है, बात समझ आ रही है। इससे क्या हो जाएगा, इससे B इक्वल टू आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन टू बाई एक्स, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन टू बाई एक्स, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर क्लियर है। अब आप ये बताओ अब घोड़े को कहां बांधा होगा, अब घोड़े को यहां से यहां कहीं बांधा होगा, तो ये इतनी जगह में चला जाएगा, ठीक है ना, मतलब कितनी घास खा सकता है, अंदर वाली पूरी और बाहर वाली इतनी घास, ठीक है ना, दोनों घास खा लेगा, अंदर वाली घास भी खा लेगा और बाहर वाली घास भी खा लेगा, ठीक है ना, लेकिन बाहर की पूरी नहीं खा पाएगा, बाहर की कुछ कम खा पाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एमपीएस सर्किट रूल अप्लाई करते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई कौन सी करंट होती है, जो क्लोज सरफेस हमने कंसीडर की है ये वाली, इसके अंदर की करंट, ठीक है। अब आप इसमें देखो बी डी एल की वैल्यू क्या होगी, टू पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, और करंट होगी यहां पर आई वन प्लस आई टू, ठीक है, आई वन मतलब अंदर वाली करंट और आई टू मतलब बाहर वाली करंट। लेकिन इसमें एक बात बेटा ध्यान रखना है कि आपको करंट की डायरेक्शन अपोजिट दी है, ठीक है, एक जा रही ऊपर एक आ रही नीचे, करंट की डायरेक्शन अपोजिट दी है, तो आपको प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना, तो आपको लगाना पड़ेगा आई वन माइनस आई टू, ये बताओ क्लियर है इतना, आपको यूज करना पड़ेगा आई वन माइनस आई टू, ठीक है बेटा इतना, ठीक है। अब आप ये देखो आई वन की वैल्यू तो होगी आई नॉट, और आई टू की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप ये देखो आपको देखना है आउटर ये घास का मैदान, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आप ये देखो इसकी इनर रेडियस है बी और आउटर रेडियस है सी, ठीक है, तो आप इतनी घास कैसे निकालोगे, ये कितनी घास है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, तो आ जाएगी इतनी, तो पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कितनी घास लगी है, कितनी करंट है, आई नॉट, ठीक है, तो यूनिट एरिया में कितनी होगी, आई नॉट ओवर पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको कौन सी फाइंड करनी है, ठीक है, आपको फाइंड करना है कौन सा एरिया, ये वाला इतना एरिया, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है एक्स, तो आप क्या लिखोगे, पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतने में कितनी करंट होगी, आई नॉट ओवर पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतनी आएगी करंट की वैल्यू, ठीक है, कौन सी करंट, आई टू की वैल्यू। अब आप यहां वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, बी इंटू टू पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट, आई वन की वैल्यू क्या आई थी, आई वन की वैल्यू कितनी है, आई वन की वैल्यू होगी आई नॉट माइनस, आई टू की वैल्यू क्या होगी, ये लिखिए आई टू की वैल्यू, आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप चाहें तो आई नॉट कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको इसके नीचे ले आओ, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको निकालना है एक्स ग्रेटर देन सी, मतलब आपने घोड़े को कहां बांध दिया, इस सबके बाहर, ठीक है ना, अब ये कितने एरिया में चला जाएगा, इतने बड़े सर्किल में, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये पूरी घास खा लेगा, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, ठीक है ना, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है,
बी बाहर आ जाएगा, डीएल का मतलब 2πx इक्वल टू म्यू नॉट, आई की वैल्यू क्या होगी, आई वन प्लस आई टू। लेकिन हमने आपको बताया था घास और करंट में ये अंतर है कि घास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। एक में करंट जा रही है अपवर्ड, दूसरे में आ रही डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई वन माइनस आई टू, ठीक है, म्यू नॉट। आई वन की वैल्यू होगी आई नॉट और आई टू की वैल्यू भी होगी आई नॉट, ठीक है ना। आई नॉट माइनस आई नॉट हो जाएगा जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो।